Today we are going to discuss about the bioenergy. This is the last lecture of the energies under the renewable energy resources. So bioenergy is basically the energy which we derive from the living material. Living material like the plants, animals, wood, या कोई भी ऐसा वेस्ट है लिविंग जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जहाँ जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको बायोमास कहते हैं बेसिकली विच हैज़ बीन रिसेंटली लिविंग या तो इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स है प्लांट्स है बट जैसे जब आप देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनटू द कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पे कोल एंड फॉसिल फ्यूल जैसे जो एनर्जीज है दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ बायोमास एनर्जी बिकॉज दे आर द फॉसिल फ्यूल्स दे हैव बीन चेंज्ड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर to the coal and other petroleum products. तो over the period of time जो है कुछ साल में जब हम plants या forests में जैसे wood वगैरह है या और भी जो कुछ organisms है जो हम आगे जाके इस presentation में discuss करेंगे जिससे हम energy derive कर सकते हैं in various forms. तो यहाँ पे जैसे picture में आप देख सकते हैं wood है जैसे firewood इसको जब यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग पर्पस और फॉर कुकिंग पर्पस तो उसमें बेसिकली कंबशन का जो है रोल है कैसे वुड को जलाते हैं वहाँ से आग निकलती है ना उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट कैन बी यूज्ड फॉर कन्वर्शन इनटू इलेक्ट्रिसिटी और डायरेक्टली कैन यूज्ड एज अ थर्मल हीट। उसके अलावा गार्बेज जो निकलता है गार्बेज सॉफ्ट वॉट चुनिया ना तो सॉलिड वेस्ट तो उसको भी यूज़ किया जाता है इन द मॉडर्न टाइम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेस्ट एनर्जी प्लांट्स। तो जो भी एनर्जी प्लांट होता है उसमें बेसिकली यूज़ होता है कुछ फॉसिल फ्यूल्स हो के यूज़ कोल पेट्रोल नेचुरल गैस यूज़ होते हैं बट कुछ ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट का एक जो है वेस्ट एनर्जी प्लांट जो भी हमारा गार्बेज निकलता है उसको हम जला के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। This is the second and third one is the crops. Basically, the कुछ crops है जिसको हम convert कर सकते हैं in biofuels. तो वो भी हम आगे जाके discuss करेंगे biofuels क्या होता है। तो जैसे corn है जो मक्की है उससे भी सबसे ज़्यादा production होती है biofuels की in USA. तो उसके अलावा alcohols जो जो methanol, ethanol है जो fermentation से बनते हैं एंड उसके अलावा जो भी मॉडर्न टाइम्स के जो आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लैंडफिल्स होते हैं जो हम जो सॉलिड वेस्ट एक तो सॉलिड वेस्ट को कैसे हम जो है डील करते हैं उसको ओपन डंपिंग करते हैं किसी बड़े ग्राउंड में उसको डंप करते हैं बट एक लैंडफिल एक टेक्निक है जिसमें हम ज़मीन के नीचे उसको जो है सॉलिड वेस्ट को दबाते हैं जो भी हमारा अर्बन वेस्ट निकलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिग्रेड हो जाता है एंड प्रोड्यूस सम गैसेस लाइक मीथेन तो उसको भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये सारी जो है जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है तो ये एनर्जीज हम यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म टू फॉर्म द इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर वेरियस जो हमारे कमर्शियल डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमासेस तो चार टाइप्स ऑफ बायोमासेस जनरली जो है कैटेगराइज किए गए हैं इन द वुड एंड एग्रीकल्चर बायोमास। तो जैसे वुड एंड एग्रीकल्चर बायोमास में आता है जैसे वुड लॉग्स आते हैं बड़े बड़े जो लॉग्स होते हैं ना जंगल में वुड के देवदार वगैरह के अगर अक्सर ये जो सीज़न है एक्सकर्शन वगैरह जाते हैं लोग तो वहाँ पे बड़े वुड लॉग्स मिलते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर एज अ फायर वुड हमाम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं चिप्स वगैरह जैसे हम जो कोयला बनाते हैं चीनी बना हुआ है बाट चीनी जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं कांगरी वगैरह में
उसके अलावा बहुत सारे जो एग्रीकल्चर एंड वुड वेस्ट होता है, जैसे सार डस्ट होता है, तो उसमें तकरीबन जो है 80%, 79 to 80% ऑफ एनर्जी होती है प्रेजेंट इन जो है वुड एंड एग्रीकल्चर बायोमास में. देन सेकंड इज द टाइप है बायोमास का, दैट इज सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट होता है कोई भी अर्बन जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल से हो, चाहे वो कोई कमर्शियल होटल वगैरह से निकलता हो इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक्स एंड अदर जो निकलता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, बेसिकली सॉलिड वेस्ट. तो 2,000 पाउंड्स ऑफ जो गार्बेज में तकरीबन हीट होती है एज जो है इक्वलेंट एज मच एज हीट जो प्रेजेंट होती है कोल में. तो इसका जो है एडवांटेज है यही कि अगर हम सॉलिड वेस्ट को यूज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारे जो लैंडफिल्स में जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट डंपिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है किसी भी हद तक. 60 to 90% जो है रिड्यूस हो सकता है सॉलिड वेस्ट जो लैंडफिल्स में जाता है, ओपन डंपिंग में जाता है. तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है जब सॉलिड वेस्ट से कैसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज वेस्ट एनर्जी प्लांट, जिसमें इंसिनरेशन होती है, हाई टेम्परेचर में उसको जलाया जाता है एंड देन उससे जो पानी को उबाला जाता है और उससे जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उससे उस स्टीम को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द मैकेनिकल एनर्जी बाय रनिंग द टर्बाइंस एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर्स. तो उसके अलावा इससे पहले जो स्लाइड है उसमें मैंने कहा था, डिस्कस किया था लैंडफिल्स में भी कुछ आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जो लैंडफिल्स का भी एक टेक्निक होती है किस कितनी लेयर जो है सॉलिड वेस्ट की डालनी है, उसके बाद मिट्टी कितनी डालनी है, रेत कितनी, उसको फिर कंक्रीट के साथ बंद किया जाता है ताकि वहाँ से जो गैसेस जो है फ्रीक्वेंटली एक्सचेंज डिफ्यूज ना हो जाए आउटर एटमोसफेयर के साथ. तो वहाँ से भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीथेन गैस जनरेट होती है. और उसके अलावा अल्कोहल फ्यूल्स जैसे वीट कॉर्न, जो फर्मेंटेशन हम करते हैं वीट एंड कॉर्न का, जो उसको कन्वर्ट करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक इथेनॉल एंड मेथेनॉल, उसको भी हम यूज़ करते हैं. जैसे आजकल जो है मेथेनॉल एंड इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है विद पेट्रोल जो हम यूज़ करते हैं, उसमें कुछ इंजन मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ती है. B20 अक्सर नाम सुना होगा, बायोफ्यूल 20, मीन्स उसमें 20% आपका जो है अल्कोहल फ्यूल्स रहेंगे एंड 80% विल बी द पेट्रोल. तो उसमें जो पॉलिसीज अभी जो है हो गई है कुछ रिसेंटली, जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था उस पर एक रिपोर्ट भी सबमिट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ऑन ग्राउंड. तो हो सकता है आगे जाके ये फ्यूल्स को यूज़ किया जाएगा, बट अल्कोहल फ्यूल्स जो है उनका जो ओरिजिन है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि उनका क्या जो है प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. तो अब जो बायोमास से किस किस तरीके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे पहले ही हम डायरेक्ट अगर हमें कम्बशन करनी है, कम्बशन मीन्स डायरेक्टली हम जलाते हैं, जैसे हम जो फायर वुड जलाते हैं दान स्पैवान फॉर एग्जांपल, रूरल एरियाज में ज़्यादा होता था पहले, अब तो गैस जो है अब बहुत ही कॉमन हो गया सब रूरल एंड अर्बन एरियाज में. तो वहाँ पे जो फायर वुड है डायरेक्टली हम बर्न करते हैं एंड देन दैट इज़ फॉर द कुकिंग एंड हीटिंग पर्पस. बट कुछ जो है बड़े पैमाने पे कमर्शियल लेवल पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑल्सो. तो उसके अलावा बैक्टीरियल डिके जो नेचुरल प्रोसेस है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द मीथेन. जैसे जो बायोगैस प्लांट है फॉर एग्जांपल, बायोगैस प्लांट में जितने भी हम मटेरियल डालते हैं, चाहे वो काउ डंग हो, चाहे वो किचन वेस्ट हो, या और भी कोई जो फार्म वेस्ट हो जो ज़मीन से निकलता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस. तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है तकरीबन 60% ऑफ द कंसंट्रेशन इज मीथेन, और मीथेन बहुत अच्छा जलता है. तो यहाँ पे बैक्टीरियल डिके से भी जो है एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बायोमास को इनटू द मीथेन, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बाय फॉर कुकिंग, फॉर लाइटनिंग एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज. जैसे स्विट्जरलैंड में वहाँ पे बसें चलती है बायोगैस पे. एंड देन थर्ड वन इज़ फर्मेंटेशन. कैसे आप बायोमास को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बायोहाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हो एंड बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स है,
डेवलपमेंट्स हो रही है, कैसे बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट जो है अल्कोहल्स में कन्वर्ट करने के लिए. अल्कोहल्स मतलब जो शराब जो पीते हैं, बहुत ही जो एंशियंट टेक्निक है, बट रिसेंटली उसको डिफरेंट फॉर यूजिंग एज ए फ्यूअल, मतलब जो तेल के बदले हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो उसको कैसे बैक्टीरिया को ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर कन्वर्टिंग द बायोमास इनटू द वेरियस काइंड्स ऑफ फ्यूल्स लाइक मेथेनॉल एंड इथेनॉल. देन लास्ट वन इज कन्वर्शन. बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू गैस और लिक्विड, जो भी हीटिंग है. जैसे इसमें एक बायो ऑयल करके, जिसमें जो ट्विग्स है प्लांट्स, उसको हीट किया जाता है, तो वहाँ से तेल निकलती है थोड़ी सी. तो उस तेल को जो है उसको बायो ऑयल कहते हैं. तो अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी जो है ब्रांच, ट्री ब्रांच को जलाते हैं, तो उसकी दूसरे सिरे से एक तेल लिक्विड जैसा निकलता है. तो उस लिक्विड को भी जो है कलेक्ट किया जाता है. या जो है इसमें भी एक जो है बायोगैस से भी हम जो है कन्वर्शन करते हैं. बायोमास को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें एक सीरीज ऑफ जो चेन है, कैसे फिर फ्रेगमेंटेशन होती है, फिर मेथनोजेनेसिस होती है, एसिडोजेनेसिस होती है, फिर मेथनोजेनेसिस होती है, पूरी एक सीरीज है. तो ये चार मेथड्स हैं जिससे हम बायोमास को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद बायोमास में एक प्रॉब्लम है. ये तो इतना इसका इसमें इतना वैल्यू है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसको एक बल्क में हम चाहिए. जो एनर्जी कंटेंट होता है ना बायोमास में, वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स. तो अगर आप 1 लीटर लोगे तेल का, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा, उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 1 kg ऑफ द सेम जो बायोमास आप लेते हैं. तो उतना वो एनर्जी नहीं देगा. मींस कि जब भी हमें एनर्जी डिराइव करनी है फ्रॉम द बायोमास, वी नीड बल्क ऑफ द बायोमास. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ दिस. उसके अलावा इसमें कलेक्शन, प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो भी इसका ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो जैसे बायोफ्यूल्स, जैसे कमर्शियल जो फ्यूल्स हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, उसको हम डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय द पाइपलाइंस. तो नेचुरल गैस को पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको, या सिलेंडर्स में कर सकते हैं, या जो टैंकर्स वगैरह. बट बायोमास का जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड लेबर वगैरह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है. एंड एट सोर्स लेवल ऑल्सो, जब हम बायोमास को सेग्रीगेट करते हैं फ्रॉम जो डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल उसको यूज़ करना होगा वेस्ट एनर्जी प्लांट में, तो वहाँ पे भी वो जो है प्रॉब्लम है. तो अब जो मेन जो अक्सर हम टर्म सुनते हैं, बायोफ्यूल्स एंड बायोडीजल. जो बायोफ्यूल टर्म है, इट इज़ बेसिकली कि कैसे हम अपने जितने भी बायोमास है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फ्यूल्स, वेरियस फ्यूल, जैसे इथेनॉल, मेथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एक जनरल टर्म है. इस टर्म में भी बहुत सारे फ्यूल्स आते हैं. जैसे बायोडीजल इज़ वन ऑफ द जो है एक टाइप ऑफ बायोफ्यूल है बायोडीजल. तो इसमें जितने भी वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स होते हैं, इसको कन्वर्ट किया जाता है. देन ट्रांस एस्टरीफिकेशन से उन फैटी एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द बायोडीजल. मींस इसकी प्रॉपर्टी मोर और लेस इक्वल टू डीजल होती है जो कमर्शियली होता है, बट इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है तकरीबन 37.27 मेगाजूल्स पर केजी. मींस दैट इज कंपेरेटिवली लेस देन जो हमारा कमर्शियल बायोडीजल है. तो अब एडवांटेजेस क्या है, जो भी बायोमास है या बायोगैस है, बायोफ्यूल्स है, इसकी क्या एडवांटेजेस है? फर्स्ट, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बिकॉज कि हर साल जितने भी हम प्लांट्स लगाएंगे, जितने भी हम क्रॉप्स लगाएंगे, और गार्बेज जो प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूअस लेवल पे होता है. एवरी डे देयर इज गार्बेज प्रोडक्शन. तो आप देख सकते हो इंटरनेट पे कि स्टैटिस्टिक्स आपके सिटी में, आपके टाउन में पर डे कितना गार्बेज निकलता है. तो उसमें और सेकंड इसका एडवांटेज है, ये अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, बहुत सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है हर किसी जगह वर्ल्ड में, जहाँ पे भी जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है या फॉरेस्ट भी अवेलेबल है. तो इसका जो है चीपर देन अदर फ्यूल्स, जो इसका रेट है फ्यूल या एनर्जी जो यहाँ से मिलती है, दैट इज़ वेरी चीप, अब अराउंड 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. आजकल जो पेट्रोल का दाम तकरीबन जो है 100 के आसपास है. तो इस सिचुएशन में अगर हम जो
बायोफ्यूल्स पे मतलब उसमें ज़्यादा रिसर्च किया होता तो इतना जो है हमको रिलायबल नहीं रहना पड़ता ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। तो उसके अलावा जो जो भी डिफरेंट जैसे गैसेस है, बायोगैस प्लांट्स है, वहाँ से भी बायोगैस निकलती है। पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में बायोगैस प्लांट्स आराम से लगा सकते हैं, बिकॉज तो रूरल एरियाज में एक तो गाँव काउ डंग जो कैटल वेस्ट होता है, काउ डंग वगैरह फार्म वेस्ट, वो इजीली अवेलेबल होता है, तो उसको उससे जो है गैस कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती है बस। बट बायोगैस में भी एक प्रॉब्लम है, विंटर्स में उसमें गैस प्रोड्यूस नहीं होती बिकॉज इट नीड्स अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस। तो विंटर्स में तो यहाँ पे माइनस में चला जाता है, देन इट गेट्स फेल्ड इन विंटर्स। तो उसके अलावा ये कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल मीन्स जितना फॉसिल फ्यूल्स में जो कार्बन होता है दैट इज कैप्चर्ड ओवर द पीरियड ऑफ 1 लाख 1 मिलियन ऑफ ईयर्स, जब कार्बन कंटेंट था वो उसमें लॉक हुआ है। बट जो हम बायोमास यूज करते हैं उसमें जैसे एग्रीकल्चर हम करते हैं, कुछ भी सब्जी वगैरह लगाते हैं या ट्रीज, तो वो जो एक साइकिल में होता है, जितना हम यूज करेंगे वो फिर से कैप्चर होता है, तो नेट एडिशन नहीं होता है इन एटमोसफेयर जो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। तो उसके अलावा एनवायरमेंटल एडवांटेजेस भी वही है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, लैंडफिल्स के लिए जो है वो उस पर प्रेशर कम है, ये क्लीन वाटर सप्लाइज, जैसे लैंडफिल अगर फॉर एग्जांपल है, अगर लैंडफिल में हम सॉलिड वेस्ट लगाते हैं तो वहाँ से जो लीचेट्स निकलते हैं, लिक्विड वेस्ट जो निकलता है वो ग्राउंड वाटर में चला जा सकता है, चला जाता है, तो वहाँ से उसको पोल्यूट कर सकता है। उसके अलावा कार्बन न्यूट्रल है तो मीन्स देर इज लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन अदर इक्विवेलेंट गैसेस लाइक नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो प्रॉब्लम्स लाइक एसिड्रीन एंड स्मोक वुड रिड्यूस होती है, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन को रिड्यूस कर सकता है, देन दीज आर द सम एनवायरमेंटल एडवांटेजेस ऑफ द बायोमासेस। अब बायोफ्यूल्स के सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हम बायोफ्यूल्स को बेसिकली टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स, तो एक एल्गी है, चाहे वो मैक्रो एल्गी हो या माइक्रो एल्गी हो। माइक्रो मीन्स उसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर्स, एंड मैक्रो एल्गी बड़े होते हैं मोर देन वन। सो आई वाज सेइंग द सोर्स ऑफ बायोफ्यूल्स कैन बी, बहुत तरीकों से हम बायोफ्यूल कैप्चर कर सकते हैं, एंड देन वी विल गो इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स की क्या जनरेशन रही है बायोफ्यूल्स की। तो एल्गी से भी जो मैक्रो एल्गी होते हैं, मींस मैक्रो मींस उनका साइज बड़ा होता है, पर्टिकुलरली जो ओशंस एंड सीज में पाए जाते हैं, जो अक्सर जो समंदरी जहाज है, शिप्स है, उनकी मूवमेंट में जो हिंड्रेंसेस पैदा करते हैं, तो जिसको सी ग्रास वगैरह भी बोलते हैं। और दूसरे होते हैं माइक्रो एल्गी, उनका जो साइज बहुत छोटा होता है, अक्सर जो वाटर बॉडीज है उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो उनको भी यूज करके जो है वहाँ से बायोफ्यूल्स निकाल सकते हैं, बिकॉज उनमें जो लिपिड कंटेंट होता है, फैटी एसिड कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टू द बायोडीजल। तो उसके अलावा इथेनॉल, इथेनॉल जो कॉर्न है, वीट है, वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, मस्टर्ड ऑयल वगैरह, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन द बायोफ्यूल। बायोगैस इटसेल्फ इज अ बायोफ्यूल। सिन गैस, वो हम इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, इट इज द कन्वर्शन ऑफ द बायोमास इनटू द गैस बाय द प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन। तो इसके भी अपेरेट्स है, गैसिफायर्स है, फिर ब्लेंडेड बायोडीजल, तो ये बहुत सारे टाइप्स है, सोर्सेज है बायोडीजल के। देन अब जो बायोफ्यूल्स की जनरेशन क्या क्या है, तो बायोफ्यूल तो ये पिछले 10 साल से नहीं आया, इट कम्स फ्रॉम द डिकेड्स, द पिछले 100 साल से हम देख रहे हैं बायोफ्यूल्स। तो पहली बार जो बायोफ्यूल्स बनाए गए थे दैट वर डिराइव्ड फ्रॉम द व्हीट, जो है व्हीट से बनाया गया, शुगर केन से बनाया गया, सोयाबीन से बनाया, बाय केमिकल मेथड्स लाइक फर्मेंटेशन, हाइड्रोलिसिस, जिससे जो है इनमें जो स्टार्च कंटेंट होता है, स्टार्च तो उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द बायोफ्यूल्स, बेसिकली फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। बट इन में एक ही प्रॉब्लम थी कि ये एक मींस के जो हम यूज़ करते हैं फॉर द फायर बायोफ्यूल जनरेशन लाइक वीट, शुगर, ये एक फूड जो है प्रोडक्ट्स है, फूड रिसोर्सेज है ह्यूमंस के लिए। तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे फॉर फ्यूल जनरेशन देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द फूड अवेलेबिलिटी।
तो ये पहली जनरेशन थी जहाँ पे हम फूड क्रॉप से जो है डिराइव करते थे बायोफ्यूल्स। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर वर चेंजेस इन डेवलपमेंट्स, देयर वर चेंजेस इन द टेक्निक्स एंड न्यू मेथड्स अराइव। तो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स में हम नॉन फूड क्रॉप्स यूज़ करते थे। नॉन फूड क्रॉप्स हो गए वो क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल वुड, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, फॉरेस्ट रेजिड्यूज, बार्क्स वगैरह, ट्विग्स, ब्रांच्स वगैरह यूज़ करते थे। बेसिकली लिग्नोसेल्युलोज, जिसमें सेल्युलोज कंटेंट बहुत होता है, ग्रासेस वगैरह यूज़ करते हैं जिसको आमतौर पर हम नहीं खाते हैं। तो उसमें भी बायोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल प्रोसेसेस से फिर जो है कन्वर्ट किया जाता था बायोमास को इन वेरियस काइंड्स ऑफ फ्यूल्स। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज जो इसमें प्रोसेस भी लंबा चौड़ा है एंड देन इफिशेंसी इज़ नॉट दैट गुड। तो उसके बाद पिछले 30 साल की जो ड्यूरेशन में थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स आए, जिसमें हम एल्गीज, एल्गी जो होते हैं, चाहे मैक्रो एल्गी हो माइक्रो एल्गी हो, बहुत सारे एल्गी है माइक्रो एल्गी, जैसे क्लोरिला है, देन स्पायरुलिना है, नॉस्टॉक है, आपने सुना होगा इनका नाम क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम यू आर फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड। तो इनको हम यूज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ द बायोफ्यूल्स। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है, लैंड अवेलेबिलिटी कम है, तो ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए लैंड भी चाहिए, बट यहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम। तो पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था वेरियस सोर्स ऑफ बायोफ्यूल्स, जो एल्गी, इथेनॉल वगैरह, वेजिटेबल ऑयल से भी कैसे हम बायोफ्यूल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, देन बायोमास से डायरेक्टली बायोगैस एंड सिंथेसिस गैस बना सकते हैं। बट देन देयर आर वेरियस जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल्स, कि बायोफ्यूल्स कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तकरीबन 100 साल पहले हम यूज़ करते थे फूड क्रॉप्स लाइक वीट, शुगर केन, जिनमें स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फॉर कन्वर्टिंग द स्टार्च टू द बायोफ्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि हमें उसको कम्पीट करना है विद द फूड, क्यों फिर फूड अवेलेबिलिटी जो ह्यूमंस के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी इफ़ वी यूज़ दिस वीट, शुगर केन एंड सोयाबीन। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, क्रॉप्स है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम्पीट हो जाता है कि हम फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे या फूड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये एक डिबेट है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास है, जैसे वुड है, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज है, फॉरेस्ट वेस्ट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको बायोकेमिकल एंड थर्मोकेमिकल प्रोसेस से कन्वर्ट किया है इनटू द बायोफ्यूल्स। तो इसमें लैंड अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कितने लैंड से या जो लिग्नोसेल्युलोसिक मास है तो वो कितना प्रोड्यूस होगा, कितना हम प्रोड्यूस करेंगे, जितना हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा उतना बायोफ्यूल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है। तो थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स में ये चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स है, एक फूड के साथ कम्पीट करना, एक लैंड की अवेलेबिलिटी, इसको जो है ओवरकम कर दिया। तो एल्गी बहुत छोटे होते हैं तो उनके जो लिए लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, एक छोटे से पॉन्ड में भी ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा बेसिकली जो रिसर्च था मास्टर्स में तो इसी पे ओरिएंटेड था, कैसे एल्गी से हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। तो एल्गी को छोटे जो है तालाब में भी ग्रो कर सकते हैं, जिसमें वेस्ट वाटर, जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, घर से जो निकलता है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है जिसमें कुछ न्यूट्रंट्स होते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस करके, जिसपे एल्गीज ग्रो करते हैं। एक तो वेस्ट वाटर को भी जो है साफ़ करेंगे, उनमें न्यूट्रंट्स निकालते हैं, देन उसमें जो लिपिड्स वगैरह होते हैं उनके सेल मास में, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाई ट्रांसएस्टरीफिकेशन इनटू द बायोफ्यूल्स एंड पर्टिकुलरली इनटू द बायोडीजल। तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स थे, क्योंकि कुछ एल्गीज होते हैं ना उसमें लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फैटी कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो उसको क्या किया जाता है, पहले ग्रो किया जाता है, देन उसमें उसको हार्वेस्ट किया जाता है बाई वेरियस टेक्निक्स। वो छोटे होते हैं तो उसमें फ्लोटेशन, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन या केमिकल प्रेसिपिटेशन या चिलेशन के साथ जो है वहाँ निकाला जाता है वो बायोमास, फिर उसको ड्राई किया जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है, देन उसको जो है वेरियस केमिकल्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है ट्रीट किया जाता है, जहाँ से वो फैट्स वगैरह निकलते हैं, देन एस्टेरिफिकेशन से बायोडीजल जनरेट होता है। तो बायोडीजल को हम ब्लेंड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं डीजल जो हम इंजन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं।
तो फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल्स है, इसमें यही जो एल्गीज है इनको मॉडिफाई किया गया है फॉर मोर, जो है उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उनमें मोर लिपिड कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जनरेशन थे बायोफ्यूल्स के। पहली जनरेशन में हमने फूड क्रॉप्स को यूज़ किया, सेकंड जनरेशन में लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास यानी वुड मटेरियल को यूज़ किया, थर्ड जनरेशन में हमने एल्गी को यूज़ किया एंड फोर्थ जनरेशन में हमने एल्गी को ही यूज़ किया बट उसको मॉडिफाई किया फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ द लिपिड कंटेंट इनटू द सेल मास बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, या उसको हम सिलेक्शन इंट्रोडक्शन जो भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एक तो उसमें लिपिड कंटेंट भी ज़्यादा होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो इसमें एक मल्टी लेवल बेनिफिट्स है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैप्चर करेगा, वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करेगा एंड बायोडीजल को भी जनरेट करेगा। तो ये थी जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो उसके बाद इथेनॉल जो है, तो इथेनॉल बेसिकली जो हमारे प्लांट्स है जैसे कॉर्न है, यहाँ पे एक एग्जांपल है कैसे नल को लगाया गया है टू द जो कॉर्न है कॉब, तो जो फर्मेंटेशन से है जो इसमें स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द जो है शुगर्स, शुगर्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द जो बायोफ्यूल्स, जिसको मिक्स किया जाता है विद गैसोलीन, बेसिकली जो पेट्रोल है गैसोलीन, उसका डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन डिफरेंट कंट्रीज। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एथेनॉल इन यूएसए फ्रॉम कॉर्न जो मीज है। तो उसके बाद जो बायोडीजल जो मैंने अभी कहा था आपको कि कैसे उसको, जैसे बायोडीजल अगर हमें बनाना हो किसी भी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर की सीड्स हम लेंगे, तो सनफ्लावर के सीड्स ले सकते हैं या कोई भी ऐसा प्लांट जैसे जट्रोपा के सीड्स होते हैं, एक प्लांट है जट्रोपा, उसके भी सीड्स ब्लैक कलर के होते हैं, उसमें भी ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको फिर जो है जो मिल्स में से जो है क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, फिर उसको एस्टेरिफिकेशन की जाती है, मीन्स कि ट्राइग्लाइसराइड्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द जो जो बायोडीजल चेन्स है, कार्बन चेन्स को हमें कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन बायोडीजल, जिसको हम बसेस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्लाइसरॉल भी निकलता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं ग्लाइसरॉल। जो ग्लिसरीन जो हम यूज़ करते हैं वो भी तो इसी का प्रोडक्ट है। तो एक साइकिल प्रोसेस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल रहेगा ये पूरा प्रोसेस, जहाँ जो ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हुआ है वही यहाँ पे रिलीज होता है, मीन्स नेट जो प्रोडक्शन इनटू द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती है। अब इसके जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है बायोडीजल के, तो फर्स्ट जो इसके एडवांटेजेस है, इट इज़ यूजेस वेस्ट फॉर फ्यूल, मीन्स जो भी हमारा वेस्ट है चाहे वो एल्गी हो चाहे वुड वेस्ट हो उसको यूज़ करता है, ये चीप है और ये मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करता है, ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। बस इसके एडवांटेजेस भी बहुत, डिसएडवांटेज भी है, तो मीन्स कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें पोटेंशियल लेस है क्योंकि जो है मास बहुत ज़्यादा होता है और एनर्जी बहुत कम होती है, तो मीन्स इसमें बहुत कम पोटेंशियल है। तो थॉट टू लीड मोर जो पोल्यूशन, अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, केमिकल रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है इसमें ज़्यादा है, तो उस साइड भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ के रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है। उसके बाद एल्गी को कैसे हम बायोफ्यूल में यूज़ कर सकते हैं, तो जो एल्गी है ये 30 गुना जल्दी ग्रो हो जाता है। अगर आप एल्गी का तो 1 ml एक जो पानी के ट्रे में जिसमें गंदा पानी होगा, ये किचन वेस्ट जो है अगर साबुन वगैरह उसमें अगर 1 एलगी का 1 ml डालेंगे तो 7 दिन के बाद वो पूरी ट्रे ना वो हो जाती है ग्रीन कलर की, मीन्स की जो एलगी जो की जो जो ग्रोथ होती है दैट इज़ वेरी फास्ट, मोर देन 30 टाइम्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो है। उसके अलावा उसमें फैटी एसिड जो लिपिड कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एलगी जो है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है, तो इसमें अभी रिसेंटली आज के दौर में इस पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, हो सकता है फ्यूचर में ये इट विल बी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं एल्गी को। एक तो इसके एडवांटेज ये फास्ट ग्रो करता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड द टिपिकल जो है इसमें ऑयल कंटेंट जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्लांट्स। बट इसमें डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव है एक लिहाज से, इसको हार्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। हार्वेस्ट मीन्स कि इसको पानी में लगा दिया, अब इसको निकालेंगे कैसे बाहर, इसको उसमें या तो फर्मेंटेशन जो फ्लॉकलेशन करनी पड़ेगी, फ्लोटेशन करनी पड़ेगी, चिलेशन करनी पड़ेगी या सेंट्रीफ्यूगेशन करनी पड़ेगी। तो एक तो रैपिडली ग्रो होता है तो उसमें भी जो है प्रॉब्लम है, तो ये फैल सकता है, दूसरी जगह पोल्यूशन कर सकता है। देन हाउ टू गेट ऑयल आउट इट, जो इसमें जो इसमें तेल निकालना है वहाँ से, वो बहुत ही कमरसम मेथड है। तो आप ये देख सकते हो ये फिगर में, कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्गी में हुआ, फिर उसको हार्वेस्ट किया, उसको डिवॉटरिंग की, पानी को बाहर निकाला, मीन्स उसको हीट किया, ड्राई किया ओवन में, फिर एक्सट्रैक्शन की, फिर तेल निकाला, फिर बायोमास जो निकलता है। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो मैंने ये तकरीबन तकरीबन सारे प्रोसेसेस किए थे अपने रिसर्च में। तो इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी इज फ्रॉम बायोगैस, फ्रॉम बायोमास इज बायोगैस। तो बायोगैस बेसिकली कन्वर्शन प्रोसेस है, कैसे आप बायोमास को डिग्रेड कर सकते हो। तो बायोमास हो सकता है एग्रीकल्चर वेस्ट, किचन वेस्ट हो सकता है, म्यूनसिपल वेस्ट हो सकता है, या आपका जो है कैटल डैंग वगैरह हो सकता है, उसको कन्वर्ट करना इनटू द मीथेन। तो मीथेन जो गैस है, बायोगैस जो गैस है, उसमें मीथेन कंटेंट तकरीबन 50 to 70% होता है। डिपेंड करता है कौन सा बायोमास आप यूज़ कर सकते हो, कौन एग्रीकल्चर कर रहे हो, मैन्योर का, तो इसमें जो गैस प्रोडक्शन है या टेम्परेचर जो कंडीशंस है वो भी वेरी करती है, तो उस पे भी गैस कंसनट्रेशन डिपेंड करती है। उसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन 30 to 40% हो सकती है, एंड ट्रेस गैसेस इसमें भी होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सेलोजेन्स होते हैं और अदर जो गैस होते हैं। तो उसका जो कैलोरिक वैल्यू है दैट इज 6 kWh पर क्यूबिक मीटर। तो ये तकरीबन 1 लीटर जो डीजल है उसका हाफ है। तो ये जो है लाइव स्टॉक वेस्ट, क्रॉप्स वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट वाटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एनारोबिक डाइजेशन, फिर वहाँ से बायोगैस निकालते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मैंने अपनी रिसर्च में बायोगैस से हमने वो उसको डायरेक्टली कनेक्ट किया था विद द लाइटिंग, वो लैम्प होता था पुराने ज़माने में, कैरोसिन पे वो लैम्प चलता था, तो हमने वही लैम्प यूज़ किया फॉर बायोगैस। उसके अलावा गैस पे भी हमने कुछ पकाया था उस टाइम, तो बहुत ही अच्छा वो जो है उसका जो कला ये जल्दी प्रोड्यूस होता है। बट उसके जो बर्नर्स होते हैं ना, उसका होल बड़ा होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर उसके जो नॉर्मल हमारे जो होते हैं घर में गैस स्टोव यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगा अच्छे से। तो उसके अलावा उसको फ्यूल इन कार्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, गैस ग्रिड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो गैस जो निकलती है, उसके अलावा वहाँ से कुछ अब दूसरे वेस्ट निकलते हैं जिसको स्लरी कहते हैं, तो उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, लाइव स्टॉक जो है बेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या सॉइल अमेंडमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो है इसके बेनिफिट्स है बायोगैस के। जो मैंने अभी कहा, इसमें पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है, इफ़िशेंट वे टू एनर्जी कन्वर्शन, और जो है सेव्स वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम कैरिंग फायर, वो जो जंगल से लाते हैं ना पर्टिकुलर रूरल एरियाज, वो सेव होता है। बट इसमें एक टेक्निक है जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, बैक्टीरियल कंसोर्शियम जो है कंसंट्रेशन एम्बिएंट होनी चाहिए, तो एफिशिएंसी वैरी करती है उस उन चीज़ों पे। तो अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड कंटेंट ज़्यादा होगा, तो पाइप्स वगैरह जो है वो करोड़ हो सकते हैं। तो इट इज़ समवट अनस्टेबल मेकिंग प्रोन कम्बिशन, मीन्स कि जो इसमें मीथेन कंटेंट होता है वो होता है 60 to 70%। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये जलना मुश्किल होता है इसका। तो वैसे हमने उसमें बर्नर्स में मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो ठीक से चलता है फिर। तो ये इसमें बायोगैस डाइजेशन होती है, तो ये फिर से वही स्लाइड है, कैसे प्रिटीट करते हैं फिर डाइजेशन में डालते हैं। तो आई गेस कि ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट जो है नॉर्मली दो होते हैं, एक तो होता है फिक्स डोम टाइप, दूसरा होता है
फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग में क्या होता है, जो ही गैस यहाँ पे बनती है तो ये ड्रम ऊपर जाता है, जितनी गैस ज़्यादा बनेगी उतना ड्रम ऊपर जाएगा। तो फिक्स्ड में ये बेसिकली चाइना टाइप है, इसमें पूरा बंद होता है, एक पाइप होती है सेंटर से, तो वहाँ से गैस बाहर निकलती है, तो प्रेशर जो है कॉन्स्टेंट नहीं रहता, तो यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, जितनी गैस बाहर निकलेगी ड्रम नीचे जाएगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट होती रहेगी। तो यहाँ से हम स्लरी दोनों में मिक्स करते हैं, कैटल डंग वाटर, तो यहाँ पे नीचे जाती है, तो यहाँ पे तकरीबन 10-15 दिन वो डाइजेस्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ वेरियस बैक्टीरियाज, तो वो कन्वर्ट होता है इन टू बायोगैस, बायोगैस का कंपोशन मैंने बताया है। तो वहाँ से जो स्लरी निकलती है वो हम यूज़ कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर फील्ड्स, तो यहाँ से जो है डायरेक्टली जो पाइप्स से बाहर निकाल सकते हैं हम गैस को, बायोगैस को, जो हम कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टू द गैस स्टोव या लाइटनिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, या उसको बॉटलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर सम ट्रीटमेंट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के उसको हम जो गैस, जैसे गैस सिलेंडर्स आते हैं वैसे उसको सेव कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं इन व्हीकल्स। तो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे डोम जो होता है ये फिक्स होती है, ये ऊपर नीचे नहीं जाते, ये बट यहाँ पे एक मैटेलिक ड्रम होता है, ये ऊपर नीचे जाता है। तो ये इंडियन टाइप है और ये जो है चाइना टाइप है। तो कुछ स्लाइड्स है, लास्ट वन, कुछ एक दो स्लाइड्स है। अब जो मैंने गैसिफिकेशन कही, जिसे हम सिंथेसिस गैस बनाते हैं, तो एक अपैरेटस होता है जिसको गैसिफायर बोलते हैं, आप YouTube में जाके सर्च कीजिए गैसिफायर्स, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा वहाँ से। तो उसमें बायोमास जो होता है, लकड़ी के टुकड़े वगैरह जो है डालते हैं ऊपर से, नीचे से हम आग जलाते हैं, यहाँ से कम्बशन यहाँ पे होती है, तो ये जो यहाँ से जो कम्बशन होती है, जहाँ से वो धुआं निकलता है वहाँ से जो गैस निकलती है, वही यूज़ करते हैं हम फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम जो हमारे मोटर्स वगैरह होते हैं ना जो फ्यूल पे चलते हैं, उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो है यूट्यूब पे बहुत सारे जो वर्कर्स है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया और यूज़ होता है एट कमर्शियल लेवल। तो उसमें इसमें मैच्योर टेक्नोलॉजी पाथवे फॉर कंट्रोल इन्वॉल्व हीट, स्टीम, ऑक्सीजन जो कन्वर्ट करते हैं इनटू द हाइड्रोजन अदर प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या क्या होता है, जो यहाँ पे सिंथेसिस गैस बनती है या उसको प्रोड्यूसर्स गैस भी बोलते हैं, तकरीबन 800 से 1000 टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, तो ये कन्वर्ट करता है जो वुड का जो बायोमास को कन्वर्ट करता है इनटू द गैस, जिस गैस पे तकरीबन 30 to 60% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, 25 to 30% हाइड्रोजन होता है, एंड देन मीथेन भी होता है तकरीबन 5%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 5 से 15%। तो इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी जलेगा, क्योंकि इसको ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये भी जलता है, हाइड्रोजन भी जलता है, मीथेन भी जलता है, मीन्स ये अच्छा फ्यूल है। तो इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज होती है, डिपेंड करता है कि वुड का जो सोर्स क्या है, सल्फर कंटेंट होता है, वाटर वेपर कंटेंट होते हैं, एंड इसका कैलोरिफिक वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ 2 to 15 MJ पर क्यूबिक मीटर। तो ये था, इसके भी है बहुत सारे जो मॉडल्स है, अपवर्ड ड्रॉट, डाउनवर्ड ड्रॉट, बहुत सारे जो है गैसिफायर्स है, बट दैट विल बी द मोर स्पेसिफिक, कि हमें तो जनरली बताना है कि बायोमास को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें। तो ये गैस को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर द कम्बशन, और वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो भी जनरेटर्स है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल, तो वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जितने भी बायोमास जो है ये कार्बन न्यूट्रल होते हैं, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कैप्चर करते हैं, वही वहाँ वहाँ से रिलीज, क्लोज साइकिल है, नेट इमिशन नहीं होता है बेसिकली। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये एक्सपेंसिव जो है, बायोमास इज एक्सपेंसिव एंड सेट टू बी स्टोर, बिकॉज इसका जो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, स्पेस बहुत चाहिए इसको, फिर रेजिड्यूज जो है उसमें हायर कंसेंट्रेशन ऑफ जो न्यूट्रंट्स होना चाहिए, तो उसमें जो है एनर्जी लॉस होती है टू द सर, अगर कोई जो हमने मटेरियल सेव करके रखा वो सड़ जाएगा, मीन्स उसमें जो एनर्जी लॉस होती है तो उसमें भी नुकसान है, क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम है। तो उसके अलावा जो है अदर सिंथेटिक केमिकल और फर्टिलाइजर कैन बी एडेड लेटर, कैन लेटर बी एडेड, तो इसमें जो है सिंथेटिक केमिकल्स अगर यूज़ हो जाएंगे तो उसमें भी जो है प्रॉब्लम हो जाती है इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द बायोमास, बायोगैस एंड बायोफ्यूल। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है ओवरऑल फॉर
फॉर द बायोमास एंड बायोगैस। तो अब जो एनर्जी एफिशिएंसी है, जितनी भी हमने एनर्जीज पढ़ी, तो उसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस टाइप ऑफ एनर्जी में है? तो एज पर द एनर्जी पॉइंट्स जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है विंड एनर्जी। इट्स एफिशिएंसी इस जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। बट जो बायोमास की जो एफिशिएंसी है, दैट इज़ मोर देन नेचुरल एनर्जी एंड लेस देन द सोलर। जितनी भी आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उनकी जो है एफिशिएंसी ज़्यादा है। एनर्जी एफिशिएंसी मीन्स कन्वर्शन, जहाँ से एनर्जी आती है उसको कितना को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स।